रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मैं जुलेखा, आप देख रहे न्यूज बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में भले ही राजद मुख्य विपक्षी पार्टी हो, लेकिन पटना में विपदा आने के बाद बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में आ गई है। राजद का कहीं कोई अता पता नहीं है, वहीं प्रतिपक्ष की भूमिका को बीजेपी पूरी तरह से निर्वहन कर रही है। पटना में ही सुशासन के डूब जाने के बाद बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता सीधे तौर पर सीएम नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी नेताओं के हमले से सरकार सदमे में आ गई है। बीजेपी के नेता खुलेआम नीतीश सरकार में बेलगाम हो चुकी अफसरशाही पर अटैक कर रहे हैं। जिस पार्टी के बूते नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, उसी के नेता ही सरकार की सबसे अधिक खिंचाई कर रहे हैं। बीजेपी के नेता यह कहने से नहीं चूक रहे हैं कि राजधानी पटना की जो विपदा है वो मानव जनित है। इस विपदा के लिए प्रकृति नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी मशीनरी दोषी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, विचलित हूँ। बिहार बीजेपी के छोटे नेताओं की बात छोड़िए, खुद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार के सुशासन की सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना में जल जमाव को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राजधानी पटना के पानी पानी होने पर प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेवार बताया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि विगत कुछ दिनों से पटना के हालात पर विचलित हूं। प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं होता है, पर 24 घंटे बारिश रुक जाने के बाद भी अगर पानी ना निकले, यह बताता है कि प्रशासनिक लापरवाही जरूर हुई है। वे आज भी अपने बयान पर डटे हैं और कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उन पर कार्रवाई करवा के रहूंगा। वहीं गिरिराज बोले कि माफी मांगे। उधर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह नीतीश सरकार पर हर दिन हमला बोल रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश सरकार आपदा में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि राजधानी पटना में जल जमाव और बाकी इलाकों में बाढ़ को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि पटना की नारकीय स्थिति के लिए प्रकृति नहीं बल्कि हम सब जिम्मेदार हैं, इसलिए राजधानी वासियों से हम सबको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि सभी जिम्मेदार पद पर बैठे जनप्रतिनिधि राजधानी को इस स्थिति में लाने के लिए अपनी गलती कबूलें और जनता से माफी मांगे। खुद गिरिराज सिंह ने राजधानी वासियों से माफी मांग ली और कहा था कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, लेकिन जो पद पर बैठे व्यक्ति हैं उन्हें अपनी गलती स्वीकार करते हुए पटना की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इन नेताओं के अलावे सीपी ठाकुर, सच्चिदानंद राय, अश्विनी चौबे समेत कई अन्य नेताओं ने राजधानी पटना की आपदा के लिए बिहार सरकार की मशीनरी को ही दोषी ठहराया है। जदयू भी सहयोगी को दे रही भरपूर जवाब। हालांकि जदयू की तरफ से अब हमले शुरू हो गए हैं। पार्टी ने कई जवाब देने के लिए मंत्रियों को उतार दिया है। जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, श्याम रजक समेत कई नेता ने बीजेपी पर सीधा अटैक किया है। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ न्यूज बिहार पर। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।